नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं हॉट न्यूज इंडिया टीवी। महामई के सातवें नवरात्रे के मौके पर धार्मिक स्थानों के दर्शनों के अंतर्गत कार्यक्रम के तहत माता राजनी मंदिर के इतिहास के बारे में महंत जसबीर जी के साथ दलजीत अजनोहा की ओर से विशेष मुलाकात की गई। आइए देखते हैं हॉट न्यूज इंडिया टीवी के लिए होशियारपुर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट। दलजीत अजनोहा, दोस्तों अज महामाई के जोड़ा नवरात्रे चल रहे जिदे असी विशेष तौर पर पहुंचे हैं राजनी माता मंदिर, जिथे असी राजनी माता मंदिर के पुजारी जसबीर गिरी जी महंत जी के गलबात करेंगे। मंदिर के इतिहास संबंधी, नवरात्रियों के संबंधी भी किस तरह संगत आ रही नतमस्तक होकर अपना महामाई के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। सो जसबीर गिरी महंत जी, तुहाडा स्वागत है जी। सारे चैनल ते नमस्कार जी। सर जी, जरा महामाई का मंदिर राजनी माता का मंदिर अज नवरात्रे चल रहा है, सातवां जरा नवरात्रा है, तो संगत बहुत हर्षोल्लास के आनियाँ महामाई के चरण नतमस्तक आशीर्वाद प्राप्त कर रही। इस मंदिर के इतिहास बारे जे दर्शक, इतने बहुत पुरानी कहावत आ, जिदा इतने जेजो तो लैके बजवाड़े तक इको शहर होंगे जी। पहला राजनी माता मंदिर जी, इतने एक राजा होंगे मुसलमान राजा, वो जिदा भी कोई भी नवा विआह होंदा सी, वो एक रात अपने कोल डोली रख के फिर अगे जान दिंदा होंदा सी, चाहे वह जट्टा दी है चाहे ब्राह्मणा दी, जिहड़ी मर्जी च कास्ट दी लड़की आ, वो एक रात अपने कोल रख के फिर अगे जान दिंदा होंदा डोली। तो होंदी रही, फिर ब्राह्मणा दे घर कोई लड़का जां लड़की नहीं सीगा, फिर माता जी ने उन्होंने बरदान दिता, महामाई असी मैं तेरे घर आऊँगी जन्म लैके। फिर वो ये राजे का था, उन्होंने फिर माता के घर इतने ब्राह्मणा के घर जन्म लिया। फिर माता जी जो ब्याह जोगे हुए तो उन्होंने अपने घरदे पहला कहता जी, राजे ने पहला कह दो 7 दिन तू मेरे मत्थे लगना, 7 दिन मैं नहीं तेरे मत्थे लगना, 8वें दिन जो तेतों तू कर ली, जो मेतों मैं कर ली जी। तो होंदी रही तो जिदन वो ब्याह जोगे हुए, वो माँ बाप सोचन लगे असी हूँ ब्याहने हाँ। जो उन्हें राजे को गए, उन्होंने को बहते थी लगती सी, वो प्रजा लगती सी, तो उन्होंने फिर उन्होंने पूछा राजे ने, कहना हाँ जी ब्राह्मण जी तुम आगे आ, कहते इधर इधर साढ़े एक एक लड़की है जी, तुम डोला ना रोकोगे तो कहता, वो कहता जी मर्जी है मैं तो डोला रोक के फिर अगे जा। फिर वो आके घर चिंता कर लगे माँ बाप माता जी के, कहने फिर माता जी ने पूछा, कहते जो भी तुम मेरे ब्याह की रीझ पूरी करनी वो कर दो अपनी, जो भी गहना गट्टा जो भी मैनू पाना पा सकते हैं। फिर वो माता जी ने पाया, उन्होंने पाता माता जी के अगे कहार होंगे सी डोली चक्कर वाले, उन्होंने अगे रोकने सी डोली, और डोली रोकन तो डोली रोक के उन्होंने पहला कहता माता जी ने, कहते उन्होंने कह दो राजे को 7 दिन तू नहीं मेरे मत्थे लगना ना मैं तेरे लगा, 8वें दिन जो तो तू कर दे। चलो जी, उन्होंने अपना एक टेंट लाता, उन्होंने जिते माता जी हो राजनी माता जी समाए उत्थे दी गल आ, ते उन्होंने फिर जिस मंदिर ते असी मत्था टेके आए नतमस्तक उस जगह दी गल है। हां जी, उस जगह दी मेन जगह दी गल आ जी। ते उन्होंने फिर कीता, उन्होंने अपनी भर्ती कीती माता जी ने अंदर अपनी, ते जदों 8वां दिन आया माता जी ने शाम नूं 7वें दिन बाज दवाती राजे नूं, भाई शहर च कोई भी ना रवे, ना कोई जानवर ना बंदा ना कुछ भी ना रवे, ये 8वें दिन शहर पूरे दा पूरा गर्क हो जाणा। ते राजा बोलिया लै इधर बहुत, उन्होंने फिर भी बाज दवाती राजे ने, सारे शहर से बाज घुमाती, जदों 8वां दिन होया पूरा शहर का चेहरा ही गर्क हो गया। हाँ जी, ये कहने माता जी जी, सारा द्वारा वीरवान बन गया, उस तो बाद वाद हो जी। बाबा जिवें असी गल की राजनी माता के इतिहास के, किस तरह राजे ने इस तरह डोली रोकते से, तो बाद महामाई ने कहा इस तरह तुम कर दो सारा पेंड गर्क जाना। अज उस जगह पर जिते महामाई का टेंट लाया तंबू, उस जगह पर असी जाके दर्शन करके आए, असं कोशिश करेंगे अपनी संतान को भी दर्शन कराइए राजनी माता के स्थान के। बाबा जी, इतने कि समागम जोड़े आ महामाई के मेले से लगते, इतने जो मर्जी सुखना कर लो, जिदा किसी के शरीर से कोई भी रोग आ, किसी के खाल हो जाती है, फोड़ा हो जाती है, पिंसी हो जाती है, गुआढ़ियाँ हो जाती है, मोके हो जाते हैं, जो मर्जी शरीर से है वो माता ने सुख लो, किसी के गुमियाँ हो जाएँ, जिदा किसी के गटियां हो जाए पैरों से या कि भी शरीर से, वो सुखना कर लो, महामई एन ठीक कर देंगी है। थले इसे माता का सरोवर बनया, थले उत्थे जाके जिहड़ा भी कोई इशनान करता, किसी की कोई भी किसी तरह की एलर्जी हो गए हैं, महामई कृपा कर देंगे एन ठीक हो जाए। महंत जी, इतने कि समागम कराए जाते हैं जो इस मंदिर के करवाए सालाना थोड़े वालों कमेटी वालों कराए जाते हैं? इतने जिदा का पूरे नराते लगते हैं, 9 नराते जी जी, फिर 9वें नराते इतने हवन होंगे, फिर उस तो बाद कंजकां पूजियां जांदियां, फिर उस तो बाद लंगर पानी का होंगे जी, एक इतने 12वें महीने भंडारा किया जाता, वो सारी संगत
ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਚ ਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲ ਆ ਗਏ ਉਨੇ ਹੀ ਮੰਗਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਜਣੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮਹੰਤ ਜਸਵੀਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਓਕੇਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨਾ